छत्तीसगढ़ नारायणपुर बड़ धरणर एनकाउंटर पुलिस एनकाउंटर रे सात माओवादी निपात डीआरजी एसटीएफ सीआरपीएफ को मिलित ऑपरेशन को बड़ सफलता नक्सल को पछरे पूरा हाथ धोई पड़ी केंद्र सरकार नक्सल कनेक्शन रे थिबा लोकों को भी छड़ा जीवनी जारी रहिबो आंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान छत्तीसगढ़ नारायणपुर नक्सल ऑपरेशन किसी एमती ढंग से आरंभ होता नारायणपुर अबू स्मार्ट जंगल में 50 रु 60 जन माओवादी लुचि रही खबर पाई पुलिस एक बड़ धरणर आक्रमण पर माओवादी मैंने योजना करते दंडकार अन्य स्पेशल जोनल कमिटी और इंद्रावती एरिया कमिटर सदस्य सामिल थे पुलिस भोर तीन टू आरंभ कर कम्बिंग ऑपरेशन ऑपरेशन बेलर ये होंगे दृश्य ऑपरेशन रे हजार रु अधिक पुलिस नियोजित थे माओवादी मैंने प्रथम गुड़ चाला करते यार जवाब देते सुरक्षाकर्मी आटाक काउंटर आटाक पुलिस एनकाउंटर सात माओवादी निपात ऑपरेशन में सामिल थे नारायणपुर कोंडागा जगदलपुर और दंतेवाड़ा सुरक्षा बाहन घटनास्थल ऑटोमेटिक बंदूक सह विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत कर LMG AK-47 इंसास SLR बंदूक जबत करत माओवादी ना मोट 2,62,00,000 टकर इनाम घोषणा कर अभियान के द्वारा आज दिनांक 12 दिसंबर को सबेरे से लेकर अभी दोपहर तक लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी काफ़ी बड़ी संख्या में आम सबमिशन भी रिकवर किए गए थे अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है सर्चिंग पूर्ण होने पर हमें पूरा विस्तार से डिटेल्स प्राप्त हो सकता है वर्ष 2024 में अब तक माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में अब तक कुल 215 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक और अन्य हथियार भी बरामद की गई आगामी 15 तारीख से छत्तीसगढ़ गस्त आसपे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र गृहमंत्री गस्त पूर्व उपहार देखते सुरक्षा बाहन गत 10 तारीख आरंभ होता कमिंग ऑपरेशन ये ऑपरेशन श्रेय जाऊँगी से ही सुरक्षा बाहन निकट को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं उनके बहादुरी को नमन करते हैं 2026 शेष सुधा माओवादी मूलपोछा नहीं पूर्व घोषणा कर सारी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह निकट में भुवनेश्वर शेष होता डीजीआईजी सम्मेलन में नक्सल को मूलोत्पाटन उपर गुरुत्व देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह एवं नक्सल को पचरे हाथ धो पड़ी केन्द्र सरकार नक्सल कनेक्शन लोकों को भी छड़ा जीवन जारी रही आंटी नक्सल ऑपरेशन जो विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे सबडे मालकानगिरी रे एनआईए रेड नक्सल मामला रे जातीय तदंतकारी एजेंसी रेड करिछि मोटू निकटस्थ आनंदपाली समेत सुकमार दुईटी स्थान रे मध्य चढ़ाव होइछि भोर 4टा रु बीएसएफ और डीबीएफ को सहायता रे रेड होइछि आज ओडिशा जम्मू काश्मीर समेत 4 राज्य रे 19टी स्थान रे एनआईए रेड करिछि मालकानगिरी विक्रम स्वाईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।